वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 1000 बसें मुहैया करवाने का दावा करने वाली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर यूपी की सरकार ने फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। तो वही कांग्रेस का कहना है कि योगी सरकार प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाने में पूरी तरह से फेल है। तो आइए हम आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं कि आखिर कांग्रेस बीजेपी के बीच चल रही इस सियासी बयानबाजी की क्या वजह है और क्यों बीजेपी ने प्रियंका पर लगाया है फर्जीवाड़े का आरोप। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी की ओर से योगी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था कि कांग्रेस की बसें यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं, हमें इनके जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की इजाजत दी जाए। इस बाबत प्रियंका ने वीडियो जारी कर कहा, मुख्यमंत्री योगी जी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। हमारी बसें यूपी सीमा पर खड़ी हैं, हजारों श्रमिक प्रवासी भाई बहन बिना खाए पिए पैदल दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घरों की ओर चल रहे हैं, हमें इनकी मदद करने दीजिए। हमारी बसों को परमिशन दीजिए, जिसके बाद योगी सरकार ने बसों को परमिशन तो दी लेकिन उसकी डिटेल भी मांग ली। जिसके बाद कांग्रेस ने हजार बसों की एक लिस्ट यूपी सरकार को भेज दी और कहा कि बसें बॉर्डर पर तैनात हैं। लेकिन अब योगी सरकार ने कांग्रेस पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने मजदूरों को बस मुहैया करवाने के नाम पर दो पहिया और ऑटो की लिस्ट भेज दी है। हमने जांच में पाया है कि प्रियंका गांधी ने बसों की जो लिस्ट हमें मुहैया करवाई है उनमें रजिस्ट्रेशन नंबर 2-व्हीलर और 3-व्हीलर के हैं, उनमें तो कई सामान लादने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि बसों के नाम पर कांग्रेस फर्जीवाड़ा कर रही है, अब प्रियंका और सोनिया गांधी जी को जवाब देना चाहिए। यूपी सरकार का दावा है कि प्रियंका गांधी की तरफ से जो बसों की लिस्ट दी गई है उनमें बसों के बीच 31 ऑटो, 3-व्हीलर, एक कार और एक एम्बुलेंस भी है। प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसें भेजने के मसले पर प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि योगी सरकार उन्हें बसें चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। वहीं सीएम के सलाहकार का आरोप है कि कांग्रेस से बसों की डिटेल मांगी गई लेकिन उसमें बाइक, कार और ऑटो के नंबर भेज दिए गए। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार 10 बजे तक बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवरों के लाइसेंस सहित सभी दस्तावेज लखनऊ डीएम ऑफिस में जमा कराने को यूपी सरकार की ओर से कांग्रेस को कहा गया था, जिस पर प्रियंका के सचिव ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सरकार बसें चलवाना ही नहीं चाहती, वह सिर्फ राजनीति करना चाहती है। वही इस बीच कांग्रेस की ओर से फिर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें दावा किया गया कि बसों में सारी व्यवस्थाओं के साथ हम मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। बसों को जल्द से जल्द बॉर्डर में घुसने की इजाजत योगी सरकार को देनी चाहिए। इन सब के बीच बसपा चीफ मायावती ने भी कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां भी श्रमिक प्रवासी लोग भारी संख्या में अपने घरों में जाने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया कि बहन जी, आपका ट्विटर हैंडल भाजपा आईटी सेल चला रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप खुद भाजपा की प्रवक्ता कैसे बन गईं? यह आपको शोभा नहीं देता है। रही बात बसों की, तो गाजियाबाद आ जाइए, हम आपको आपके प्रवासी मजदूरों के साथ उन्हीं बसों से लखनऊ पहुँचा देंगे। तो ये थी श्रमिक बस विवाद में कांग्रेस बीजेपी के बीच जारी सियासी बयानबाजी पर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।